हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हिंदी फिल्मों में तो आपने काफी देखा होगा कि कैसे किसी सोशल ऐप के जरिए दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और फिर हो जाता है रिश्तों का कत्ल। कुछ ऐसी ही हत्या का खुलासा बिसरख पुलिस ने किया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाई प्रोफाइल सोसाइटी अरिहंत ऑर्डन सोसाइटी में गुरुवार की रात एक महिला की हत्या कर दी गई और शव को फ्लैट में बंद कर हत्यारोपी मौके से फरार हो गया। जब महिला के बेटे ने दरवाजा तोड़कर देखा तो उसकी मां लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पुलिस हत्यारे तक आसानी से पहुंच गई और इस हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का ही दोस्त निकला। दरअसल बिसरख पुलिस ने बताया कि देर शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पॉश अरिहंत ऑर्डन सोसाइटी के जी टावर के फ्लैट नंबर 101 में रहने वाली महिला नीरजा का शव बंद फ्लैट में बेड पर पड़ा हुआ है, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने फ्लैट का मुआयना किया तो पुलिस को अहम सुराग मिले। मृतका के मोबाइल फोन की जांच करने पर पाया गया कि मृतका सोशल ऐप लाइकी व टिकटॉक पर एक्टिव है तथा मृतका के भारी संख्या में फॉलोवर्स हैं। लाइकी वे टिकटॉक ऐप और सोसाइटी के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच पड़ताल करने पर राघव की उपस्थिति मृतका के पास अत्यधिक पाई गई। मृतका और राघव का लाइकी वे टिकटॉक ऐप पर वीडियो शेयर करना पाया गया। लाइकी वे टिकटॉक ऐप के माध्यम से दोनों का आपसी मेलजोल बढ़ गया और राघव कुमार का मृतका के घर पर सीधा आना जाना शुरू हो गया। मृतका द्वारा राघव को अपना परिचित बताकर सोसाइटी के गेट पर एंट्री करने से भी मना कर दिया गया था। ये देखिए, थाना क्षेत्र बिसरख में एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी मिली है, जिसपे मौके पे फॉरेंसिक साइंस और पूरी टीम गई थी। जानकारी करने पर पता चला कि उस सोसाइटी में एक महिला रहती थी और उनकी जो है वो किसी ने हत्या कर दी है। इस पर थाना बिसरख में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ और विस्तृत जाँच पे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो इनके साथ जो है वो लगभग 2.5 साल से जो है वो संबंध में था, जान पहचान में था। एक ऐप है टिकटॉक और लाइकी करके, इस ऐप में जो है इनसे जुड़ा हुआ था। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि घटना वाले दिन जो है ये इनके घर आया था, जिसका सीसीटीवी में हमारे पास जो है वो डिटेल मौजूद है। और आने के बाद जो है उसने महिला से कुछ पैसों की मांग की, जिस पे महिला ने मना किया और कहा कि जो है वो उससे संबंध विच्छेद कर लेगी, क्योंकि संबंध जो है वो 2.5 साल से, जैसा बताया इसने अभियुक्त ने, 2.5 साल से थे और फ्रिक्वेंटली इनकी बातचीत भी होती थी। उस पे जो है वो इसने महिला ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो उसने उसको जो है वो मारपीट की और मारपीट में जो है वो उनको इंजरी आई, जिससे उनकी एक्सेस ब्लीडिंग से डेथ हो गई। उसके बाद ये वहाँ से चाबी लेकर के दरवाजे को बंद करके भाग गया था। इसमें हम लोगों ने ट्रेसेस निकाले और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके कब्जे से चाबी भी बरामद हुई, महिला का फ़ोन भी ले गया था वो भी बरामद हुआ। और ये बेसिकली जो है सोशल मीडिया के थ्रू इनकी आपस में जो है बातचीत और जान पहचान हुई थी और उसी सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये घटना भी वर्कआउट हुई है। इसी आधार पर पुलिस ने जांच की और सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। पुलिस ने महज 6 घंटे में हत्या करने वाले आरोपी राघव को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। सर, 2.5 साल से वो तो आपस में चल रहा था। क्या चल रहा? दोस्ती थे आपस में, मतलब मैं उनको पैसे देता था, जब मांगते थे पैसे के लिए गिफ्ट देता था उनको, तो कह रहे थे तेरे को कभी पैसे की जरूरत पड़े तो बता दे 10-20 हज़ार तक की। तो मैंने एक दिन 5 हज़ार रुपये मांगे थे, उन्होंने दिए नहीं मुझे, तेरे पैसे नहीं है, तू नौकरी करता, मैं नहीं करती हूँ। मैंने कहा आपने तो कहा था ले ले, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो। लाइक ऐप पे हुई थी।
उन्होंने कहा तुझे ब्लॉक कर दूंगी तू आज, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती, मैं तुझे ब्लॉक कर रही हूँ। उन्होंने दो थप्पड़ मारे मेरे, इसी बात से गुस्सा आ गया था मेरे सर पे। मैंने भी बात मुक्के वगैरह राघव से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरी और मृतका नीरजा चौहान की मुलाकात लाइकी वेड टिकटॉक ऐप के माध्यम से लगभग 2-2.5 वर्ष पहले हुई थी, जिसके जरिए दोनों तरह तरह की वीडियो बनाया करते थे व एक दूसरे को शेयर किया करते थे, जिससे दोनों में करीबी बढ़ने लगी और हत्यारोपी राघव का मृतका के घर पर बिना रोक टोक आना जाना शुरू हो गया। विगत दिवस को मृतका नीरजा के घर पर दोनों का पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस कारण राघव द्वारा मृतका के साथ मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। राघव ने बताया कि हत्या के बाद वो मृतका का मोबाइल व मृतका के घर का बाहर से ताला लगाकर चाबी भी लेकर चला गया था। मृतका के मोबाइल व चाबी के गुच्छे को राघव ने अपने घर के पास ही फेंक दिया था, जिसको पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। ये देखिए, लगभग 11 बजे के आसपास जो है, 11:30 के आसपास ये चला गया था वहाँ से। उसके बाद जो है वो, चूँकि बेटा भी रहता था, बेटा बाहर काम करता था प्राइवेट फर्म में, तो वो 5-6 बजे के आसपास आया और उसने फिर जो है दरवाज़ा जो है वो तोड़ा है, चूँकि बंद था वो बाहर से, और उसमें जो बाकी सोसाइटी के लोग थे वो आए हैं, तब उन्होंने देखा है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, फिर पुलिस को सूचना दी। ये सोशल मीडिया से ही जो है हम लोगों को जानकारी लगी, चूँकि उसी में एक्टिव था और उसी से इनकी जो है वो बातचीत होती थी, तो उसी में पता चला कि ये एक्टिव है। उसके बाद जो है वो CCTV, चूँकि वो पूरी सोसाइटी बहुत क्लोज्ड सुपरविजन में, सर्वेलांस सिस्टम में रहती है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, गार्ड्स हैं, ऐप बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम है कि कोई भी अगर सोसाइटी के अंदर जाएगा तो विदाउट वेरिफिकेशन वो अंदर नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो सर्वेलांस सिस्टम से हमें मदद मिली और उसके बाद जो है वो फिर इसको पकड़ा गया। कितने घंटे में खुलासा हुआ सर? ये हम लोगों ने जो है वो 6-8 घंटे के भीतर जो है इसको पकड़ा। सोशल मीडिया के माध्यम से 2.5 साल की दोस्ती पर पैसों का लालच भारी पड़ गया। एक दोस्त ने ही अपनी महिला मित्र को महज इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने हत्यारोपी को पैसे देने से मना कर दिया था। राघव की माने तो वह महिला को हमेशा पैसे दिया करता था, परंतु कल जब उसने महिला से 5,000 रुपये मांगे तो महिला ने उसको मना कर दिया, जिसके बाद राघव को गुस्सा आ गया और उसने उसके साथ मारपीट की और हत्या कर दिन में 11 बजे करीब फ्लैट का ताला लगाकर फरार हो गया। फ्लैट में मृतका के साथ केवल उसका बेटा रहा करता था। महिला के बेटे के आने पर इस हत्याकांड का पता चला। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, 1024 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।